ना क्वेश्चन कर रहा है कि 17,200 रुपये की साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 8% और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज कितना है? 3,800 रुपये। तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि कितनी है? और देखिए ये जो सेम टू क्वेश्चन है ये एज इट इज क्वेश्चन आपको एमटीएस में मिलेगा। 2020 में क्वेश्चन रिपीट किया गया था, एज इट इज क्वेश्चन यही था। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 17,000 रुपये है, 17,200 रुपये, तो इसको हम दो पार्ट में कर देते हैं। एक हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 17,200 - x, कितना हो जाएगा 17,200 - x। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। यही फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। दो राशि बोल रहा है तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 8 × 2 अपॉन में 100। दूसरा कितना हो जाएगा हमारा, 17,200 - x मैंने माना है इंटू, और 10% है, वर्ष कितना है 2 है, 10 × 20 अपॉन में 100 इक्वल्स टू, हमारा ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 3,800 रुपये। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 16x/100 हो जाएगा ये, और ये 72 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 100 नीचे वाला 100 जो है वो जाकर इधर जुड़ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 16x+, जब इसको हम ऐड करेंगे 2 2 4 7 2 14 और 2 1 3 3 4 4 00 - 20x इक्वल्स टू 3 00 8 00। ये 100 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। अब देखिए 20x - 20x 16x है, तो माइनस का 4x हो जाएगा, जब इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू क्या निकल कर आ जाएगा, इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारा 108, सॉरी 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 4320 निकल के आएगा, 4320 यहाँ से निकल के आएगा। अब देखिए अब क्या करना है आपका, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 414 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 00, x इक्वल्स टू 10,800 रुपये निकल के आ गया। हमसे पूछा क्या गया था, 8% की वार्षिक दर पर उधार ली गई राशि कितनी थी, तो हमने x माना था इसको 8% वाले को, तो हमारा निकल के क्या आ गया 10,800। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एज इट इज क्वेश्चन यही आपको एमटीएस 2020 में पूछा गया था, 2020 के एमटीएस एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था।